स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। आज की मुख्य खबरों में सबसे पहले बात करते हैं विदिशा के सिरोंज की, जहां मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक विशेष आयोजन किया गया। सिरोंज के वार्ड नंबर 5 स्थित पुराने अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 43 यूनिट रक्तदान किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना था। मुस्लिम त्योहार कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर वसीम ने बताया कि इस तरह के आयोजन से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। ब्लॉक उपाध्यक्ष सब्बू गौरे ने युवाओं को रक्तदान के लिए आगे बढ़ाने का आह्वान किया, जबकि अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला इब्राहिमी ने इसे इंसानियत की खिदमत बताया। विदिशा ब्लड बैंक के डॉक्टर संजय सोलंकी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर गोलू जाटव ने भी इस पहल की सराहना की। इस आयोजन ने न केवल रक्तदान के महत्व को उजागर किया बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया। सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज ईद मिलादुन्नबी है, ईद मिलादुन्नबी में बहुत सारे प्रोग्राम महीने भर सब जगह चलते रहते हैं। कहीं जलसे होते हैं, हमारे यहाँ भी मसूरात जलसा हुआ, अब 21 तारीख को जेंट्स का जलसा हुआ, सीरत का जलसा होता है, और आज मीरा शरीफ भी होता है हमारे यहाँ जामा मस्जिद में। इसी उद्देश्य में हमने सोचा क्यों ना इंसानियत के लिए काम किया जाए। आज से 4-5 साल पहले कोरोना से पहले भी एक जगह कैंप लगाया था ईद मिलादुन्नबी पे, और उसमें भी अच्छी संख्या बल में लोग आए थे ब्लड डोनेट करने। आज भी हम लोगों ने यही सोचा कि इंसानियत के लिए काम किया जाए, कि आज हम देख रहे हैं बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, लोगों ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वहाँ देखते हैं कि हम लोग पैसों से खरीदते हैं, परेशान होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो विदिशा का है, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत सुविधाएं हैं। वहाँ से ब्लड डोनेट अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ब्लड सही जगह लगेगा और जिसको ज़रूरत है उसी को लगा जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा जाता है ये सरकारी, इसमें ऐसे से नहीं खरीदा जाता। तो हमने सोचा इंसानियत के लिए काम करें, इसलिए हमने ब्लड डोनेट कार्यक्रम करा और जो बहुत सफल रहा। कैंप में कितने लोगों के ब्लड डोनेट करने की उम्मीद थी, और कितने लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और कितने लोगों की और अभी आने की उम्मीद बाकी है? कम से कम 50-60 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन 43 लोग आ गए हैं। 43 पूरा कोटा पूरा हो चुका है। कम से कम जो है जो विदिशा की जो टीम आई है उनका टारगेट 50 का था, कम से कम 50 तो होना ही चाहिए, और अभी जो है पूरा कैंप पूरा काम हुआ नहीं है। लोग आ रहे हैं 5 बजे 5:30 बजे तक, कितने लोग आते हैं तकरीबन जो है 50 लोग को होना चाहिए। तो अच्छा कभी हो रहा है कि अपन ने कोई अच्छे काम के लिए ब्लड डोनेट कराया है? बाकी लोग कहते हैं चक्कर आ जाते हैं कहेंगे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं लगा बिल्कुल, तो आसानी से ब्लड निकल गया, ज़्यादा से 5 मिनट लगे। मैं यही मैं सत्य कहना चाहूँगा कि हर 3 महीने में अपने ब्लड देते रहना चाहिए कि लोगों को काम भी आता रहे, और आज तो हमारे नबी की फिदा के मिला, तो आज तो बहुत अच्छा लगा ब्लड देने में। क्या आपको रक्त दान के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।